वेट वन फोटो प्लीज पाड़ी लो फोटो आपड़ी छे आपड़े ज बनावी छे ने आपड़ा ज मत थी बनी छे आ वंदे भारत साची बात कोणे विचार्यु हतु के आपणी ट्रेनो मां पण रिवॉल्विंग सीटो अने विस्टा डोम्स हशे एरपोर्ट जेवा एस्केलेटर्स लाउंज फूड कोर्ट पण रेलवे स्टेशन पर हशे शहर शहर मां मेट्रो अने यार हवे तो बुलेट ट्रेन पण तो आवी रही छे अने तो पण खबर छे के मोदी जी शुं कहे छे आ तो बस ट्रेलर छे लाइफ सरळ बनावी दीधी मोदी जी तो हवे आपणे एमनी जीत सरळ बनावीशुं वर्ल्ड क्लास फेसिलिटीज नी गेरंटी मोदी जी नी तो मोदी जी ने वोट आपवानी गेरंटी कोनी थाने लोकसभा के लिए उम्मीदवारों की घोषणा हो गई है और इस सीट से शिवसेना सिंधी गुट से थाने में महापौर रह चुके नरेश महेश के महायुति के उम्मीदवार होंगे लेकिन जहां एक और भाजपा 400 पार की बात करती है वहीं थाने सीट पर भाजपा ही ये चाहते थे कि भाजपा के उम्मीदवार को ही थाने से इस सीट से टिकट मिले लेकिन ऐसा नहीं हुआ जिसको लेकर कुछ कार्यकर्ता अंदर से मायूस हो गए हैं या नाराज है। इस संदर्भ में हमने मीरा भाईंदर के भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष किशोर शर्मा से बात की, आइए उन्होंने क्या कहा सुनते हैं। सर ये लोकसभा चुनाव सर पर है और कहीं ऐसा होता नहीं है जैसे मीरा भाईंदर में हुआ है। अभी जुम्मा 4 दिन पहले आपने पूरे मीरा भाईंदर में सभी मंडल अध्यक्षों की जो नियुक्तियां है वो बदल कर आपने नए मंडल अध्यक्ष बनाए हैं, तो ऐसी क्या मजबूरी थी कि आपने ये स्टैंड लिया? सबसे पहले आपके चैनल के सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। देखिए बदलाव नहीं हुआ है, पहले ये मैंने घोषित किया जब मैंने पहले सबसे पहले कार्यकारिणी बनाई थी तो यही मंडल के अध्यक्ष मैंने घोषित किए थे। किन्हीं कारणों से इसमें स्थगिति दी गई थी प्रदेश के माध्यम से और उसके बाद में फिर प्रदेश के समन्वय के साथ माननीय चंद्रशेखर बावनकुले जी हमारे जो प्रदेश के अध्यक्ष हैं उन्होंने इसे मान्यता दी और कुछ कार्यकर्ताओं से बात करने के बाद में मामूली फेरबदल यानी कह सकते हैं कि हमारे जो विद्याधर रेवनकर जी थे उसके स्थान पर हमने प्रकाश कोहली इनको हमने जो पहले हमारे पुराने मंडल के अध्यक्ष थे तो उनको हमने शामिल किया है। बाकी सारी की सारी टीम वही है, खाली प्रदेश के अध्यक्ष माननीय चंद्रशेखर बावनकुले जी की सहमति का हम वेट कर रहे थे और उन्होंने सहमति दी, उन्होंने इसको मान्यता दी और मैंने इसको घोषित किया है कुछ दिनों पहले। चलिए सर अब हम थोड़ी यहाँ की लोकसभा सीट को लेकर बात कर लेते हैं। भारतीय जनता पार्टी की यह मंशा थी कि ये जो ठाणे लोकसभा जो क्षेत्र है यहाँ से भाजपा का उम्मीदवार ही उसको टिकट मिले और उसके लिए आपके कार्यकर्ताओं में भी काफी उत्साह देखा गया, तो कार्यकर्ता जिद पर लड़े थे कि यहाँ इस बार भाजपा का जो उम्मीदवार है वो हमारी भारतीय जनता पार्टी की ओर से होना चाहिए जबकि भारतीय जनता पार्टी का शिवसेना सिंधे गुट है आरपीआई है एनसीपी है के साथ गठबंधन है, तो उसके बावजूद भी ये जो थाने लोकसभा सीट है यहाँ से भाजपा के इच्छुक उम्मीदवार संजीव नाइक को टिकट न देकर थाने के जो महापौर रह चुके ऐसे नरेश महेश के को टिकट दी गई है जो कि शिवसेना सिंधे गुट से आते हैं, तो क्या ऐसी स्थिति में जो आपके कार्यकर्ता है उनकी भूमिका क्या रहेगी और इस लोकसभा चुनाव को लेकर आप इस जमीन को चुनाव की दृष्टि से पुख्ता कैसे करेंगे? देखिए सबसे पहले तो देखिए हर पार्टी की इच्छा होती है कि टिकट उसको जाए। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं का खास कारण था कि जब से सीट बनी तब से सीट भारतीय जनता पार्टी की सीट कहलाई जाती थी, इसमें हमारे राम कापसे जी पहले इसके लास्ट लोकसभा यहाँ से उन्होंने लड़ी थी, यहाँ पर लोकसभा से सांसद थे, उसके बाद से उस कारणों से सीट अदली बदली हुई और शिवसेना के पास से सीट थी, लेकिन इस बार हमारा मांगने का पक्का कारण ऐसा था कि यहाँ पर हमारी जो संख्या बल की स्थिति कहे या हमारे सबकी मनस्थिति के यहाँ पर पार्टी की स्थिति बहुत मजबूत है, इसलिए कार्यकर्ताओं की मन की इच्छा थी कि ये सीट हमको भारतीय जनता पार्टी को मिलनी चाहिए। देखिए ये तो स्वाभाविक बात है हर पॉलिटिकल पार्टी चाहिए कि उसको मिले, लेकिन किन्हीं कारणों से ये नहीं मिली और इसका जो निर्णय है वो पार्लियामेंट्री बोर्ड करता है और हमारे वरिष्ठ करते हैं, तो इसीलिए जो वरिष्ठों का आदेश होगा उसको हम मानेंगे और उसको मान के उसके अनुसार काम करेंगे कि भारतीय जनता पार्टी कैडरलेस पार्टी है और ये
अनुशासन से चलने वाली पार्टी है, तो जो भी महायुति का जो उम्मीदवार है उसके साथ में काम करेंगे और मोदी जी 400 के पार हों ये हमारा लक्ष्य है, उसी लक्ष्य को देखते हुए हम काम करेंगे। हमारे सारे कार्यकर्ता रोष तो रहेगा, रोष तो था, लेकिन ठीक है, मांगना अलग बात है और बाद में जो चीजें तय होती है उसके अनुसार काम करना होता। विपक्षी दलों का ये आरोप है कि यदि मोदी की फिर आप 400 पार की बात कर रहे हैं, विपक्षी दलों का ये मानना है और इस प्रकार से प्रचार भी चल रहा है कि यदि मोदी की सत्ता में आए तो संविधान बदल देंगे, क्या कहेंगे? देखिए, अभी तक पिछले 10 वर्षों से सत्ता में है, कितनी बार संविधान बदला है हमने? कोई संविधान नहीं बदला है, उल्टे भारत की ताकत को बढ़ाया है। धारा 370 हटाकर जो कश्मीर भारत का अविभाज्य अंग था उसको हमने अपने साथ में लिया है। आज जो भारत के भूभाग का हिस्सा है, भारतीय जनता पार्टी इसी मुद्दे पर भारतीय जनता पार्टी की स्थापना हुई थी कि धारा 370 हटाएंगे और आज भारतीय जनता पार्टी ने धारा 370 हटाया है और बाकी संविधान में कहीं कोई छेड़छाड़ नहीं, कोई बदलाव नहीं किया, उल्टा संविधान को मजबूत किया है। संविधान को मजबूत करने का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया है। सर, अंतिम सवाल, मीरा भाईंदर में ऐसे देखा जाए तो भाजपा कुछ गुटों में बटी हुई है और यहाँ के वो विधायक है जो निर्दलीय है और ऐसे में अभी एक गठबंधन तो सीट चली गई है, तो यहाँ के जो उम्मीदवार है नरेश महेश के, वो यहाँ से कितने वोटों से जीत पाएंगे और आपके कार्यकर्ताओं को आप मानसिक दृष्टि से कैसे तैयार करेंगे? देखिए, सबसे पहले आपको बताना चाहूंगा कि भारतीय जनता पार्टी संगठन के बेस पर चलने वाली पार्टी है। संगठन का जो मुखिया होता है ये अध्यक्षीय प्रणाली की पार्टी है, तो यहाँ पर अध्यक्ष पार्टी को लीड करता है और उसके अनुसार सारे कार्य होते हैं, सारे काम उसके अनुसार ही होते हैं। तो पहली बात तो मैं कह रहा हूँ, गुट वोट कुछ भी नहीं है यहाँ पर, जो भी है विचारधारा के लोग सारे भारतीय जनता पार्टी के, कमल को मानने वाले लोग हैं और भारतीय जनता पार्टी का जो जिला का जो अध्यक्ष पार्टी ने नियुक्त किया है उसी के अनुसार सारे कार्य हो रहे हैं, तो उसमें कोई शंका होने की आशंका नहीं है। और नरेश मस्के जी को उम्मीदवारी मिली है महायुति की तरफ से, तो उनकी तरफ से काम करेंगे और उनको जिताकर लाने का पूरा हम प्रयत्न करेंगे और इसके अलावा जो भी सारी गतिविधियां हैं पार्टी की वो जिला के माध्यम से ही चलने वाली है सारी। तो क्या इस बार नरेश महेश्वर जी भी मोदी जी के नाम पर चुनाव लड़ रहे हैं? देखिए, पूरे देश भर में जो चुनाव हो रहे हैं वो मोदी जी के नाम पर ही हो रहे हैं, क्योंकि मोदी जी ने पिछले 10 वर्षों में अभूतपूर्व कार्य किए हैं। जो कार्य किए यहाँ पर कोई भी क्षेत्र उन्होंने ग्रह नहीं छोड़ा है, कैसे किसी भी क्षेत्र में काम नहीं हुआ ऐसा उन्होंने नहीं छोड़ा है और भारत ने अभूतपूर्व प्रगति की है, पूरे विश्व में आज भारत का डंका बज रहा है। तो ये पूरे जो भारतवर्ष का चुनाव है भारतीय जनता पार्टी नरेंद्र मोदी जी के हिसाब से ही लड़ रही है, उनके चेहरे पर ही लड़ा जा रहा है चुनाव, इसमें कोई दो राय नहीं है और यहाँ पर भी वही चीज दोहराई जाएगी। आज भारतीय जनता पार्टी का प्रभुत्व है मीरा भाईंदर महानगर पालिका में और पूरे क्षेत्र को भारतीय जनता पार्टी लीड करती है, तो स्वाभाविक सी बात है कि भारतीय जनता पार्टी नरेंद्र मोदी जी के लिए काम कर रही है, उनके चेहरे पर काम कर रही है और पूरी सभी पार्टियां उनके हिसाब से। इसके पहले जो चुनाव हुए थे वो भी भारतीय जनता पार्टी ने गठबंधन के रूप में लड़े थे और मोदी जी के चेहरे पर आपके जो साथ में पार्टियां थी उन्होंने चुनाव लड़े थे, लेकिन बाद में जाके तलाक हो गया, क्या इस बार तो ऐसा नहीं होगा? देखिए, कल क्या होगा इसकी आशंका के हिसाब से आज हम काम कैसा करें ऐसा नहीं तय होगा, हम अपने हिसाब से काम करते हैं। देखिए, राजनीतिक जो परिस्थितियां हैं समय के अनुसार बदलती है, हो सकता है बदले, क्या बदले कल का कोई प्रेडिक्शन नहीं, लेकिन आज हम एक साथ में चल रहे हैं, हमारी इच्छा है हमारी मंशा है कि हम सभी को साथ में लेकर चले। भारतीय जनता पार्टी सबका साथ सबका विकास इसी फॉर्मूले पर काम करती है और अंत्योदय की योजना के हिसाब से काम करती है, तो भारतीय जनता पार्टी सभी को साथ में लेकर चलने वाली पार्टी है, इतना ही कहना चाहूंगा।